नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। साथियों, ये यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आज इसमें तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए तीसरे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का साथियों, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो ये जो होती है साथियों, बंगाल की खाड़ी से ज्यादातर होती है। मुख्यतः पूछा जा रहा है, यानी कि ज्यादातर वर्षा कहां से होती है? ये बंगाल की खाड़ी से। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में अपने उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो इसमें से कौन सा सही है? ये जो है 75 से 80% अपने उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। कितनी होती है? 75 से 80%। और उसके आगे प्रश्न है, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश के कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को वर्षा के वितरण के आधार पर कितने जलवायु विभागों में, देखिए अगर भागों पूछेगा, अगर वर्षा का वितरण भागों में पूछेगा तो दो प्रकार का, अगर विभागों में पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितने विभागों में? 5 विभागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये प्रदेश के जो है किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बताएंगे ये सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसको याद रखेंगे। और जो है बांदा जिला जो है साथियों, ये सर्वाधिक अल्पसंख्यकों वाला जिला है। कौन सा है? सर्वाधिक अल्पसंख्यक वाला जिला, ये मुरादाबाद। और मुरादाबाद को जो है एक प्रदूषण के एक मापन में अभी हाल ही में इसे जो है ये सर्वाधिक शोरगुल वाला शहर बताया गया है। शोरगुल यानी कि ध्वनि प्रदूषण कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है मुरादाबाद में। ठीक, तो इसके साथ इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान रहता है? तो जल्दी से बताएंगे कि कौन सा रहता है, तो ये पश्चिमी गंगा का मैदान। कौन सा है? पश्चिमी गंगा के मैदान में साथियों शीत ऋतु में सबसे कम जो है तापमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? तो इसमें जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये तराई क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तराई क्षेत्र है सर्वाधिक वर्षा वाला। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे है और इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, गलती नहीं करिएगा इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए हम कम ही दिखेंगे, क्यों? क्योंकि प्रश्न ही पूरे बोर्ड में, तो हम खड़े होके कहां आपको बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि आप ऑप्शन के सामने खड़े हो जाते तो हम क्या बताएंगे, तो आप बताते रहिए, हम बिल्कुल साइड बाय साइड हैं। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो ये पश्चिमी गंगा का मैदान है। कौन सा है? सबसे पश्चिमी गंगा का मैदान, सबसे कम वर्षा वाला। देखिए ये अधिक वाला और कम वाला, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है जो प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी और पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है उत्तर प्रदेश की? तो ये है साथियों गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, प्राणदायिनी और मुक्तदायिनी नदी के नाम से इसे हम जानते हैं। और जो है इसके सफाई के लिए एक अभियान चलाया गया था। पहले तो इसे ये चीज जानेंगे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, तो सन 2008 में इसे गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था।
और इसी के साथ साथ एक जीव था, एक जलीय जीव को भी राष्ट्रीय जीव का दर्जा दिया गया था। तो किसे दिया गया था? ये गंगा डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को। और डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? ये डॉल्फिन के लिए एक दिवस भी मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसमें जो है पवित्र के नदी के रूप में गंगा नदी को जानते हैं, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे है साथियों? तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, और यहीं पर सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। सरयू रिवर फ्रंट कहां पर बनाया जा रहा है? ये अयोध्या में बनाया जा रहा है, सरयू रिवर फ्रंट। और जो है यहां पर एक प्रसिद्ध प्राचीन काल में एक पर्वत था, तो उसी को अभी इसका नवीनीकरण किया जा रहा है, तो उसका नाम याद रखिएगा। कौन सा पर्वत है? ये मणि पर्वत है। अयोध्या का कौन सा पर्वत है? मणि पर्वत है। और जो है अयोध्या का ODOP क्या है साथियों? ODOP ये है गुड़, अयोध्या का ODOP। और जो है अयोध्या से एक चीज और आप जानेंगे, क्या जानेंगे? कि अयोध्या को जो है 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि, यहां से अयोध्या में जो है जैन के 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, तो इस रूप में भी अयोध्या को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें से बताएंगे कि कौन सा नगर है जो गंगा के किनारे नहीं स्थित है। तो गंगा के किनारे देखिए जो है ये वाराणसी भी स्थित है, हरिद्वार भी है, और कानपुर भी है, लेकिन लखनऊ जो है ये गंगा के किनारे नहीं है साथियों, ये है गोमती नदी के तट पर। कहां पर है ये? राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और कुछ जानते हैं कौन कौन से? आगरा जो है आपका, आगरा ये यमुना के किनारे हैं। ये नदियों के किनारे बसे नगर शहर जो भी हैं ये पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और गोरखपुर जो है, गोरखपुर, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर है। कहां पर है? राप्ती नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश के किस नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा और यमुना नदियों का जो मिलन स्थल होता है, जहां पर ये नदियां मिलती हैं, तो इसे किस नाम से पुकारा जाता है साथियों? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि गंगा यमुना सरस्वती जहां पे तीनों मिलजुल जाएं, वहां का नाम क्या है? संगम है। तो यहां पर ये गंगा यमुना तो मिलती हुई दिखाई देती हैं प्रयाग में, लेकिन सरस्वती नदी को बोला जाता है कि ये भूमि के अंदर से ही आकर मिलती है, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है, बोला जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से बताएंगे कि कौन सा जो है ये गंगा की सहायक ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदी नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे, ये घाघरा भी है इसकी सहायक नदी, गोमती भी है, और यमुना भी है, लेकिन चंबल जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की, तो याद रखेंगे। देखिए नदी तंत्रों से प्रश्न अच्छे अच्छे बनते हैं, तो वो अच्छे प्रश्न यही सब हैं, तो इसको उम्मीद करते हैं आप अच्छे से नोट करेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक, नहीं तो फिर गलती कर जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया? तो इनमें से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो ये देखेंगे इसमें से कौन सा है। ये है राजघाट परियोजना। कौन सा है? राजघाट बांध परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो ये दोनों दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नाम के, किस बांध के नाम के ऊपर रखा गया है, या इधर से पूछ लेगा जैसे इसमें पूछा गया है। ठीक, तो ये राजघाट बांध का, और ये किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी के, ये बेतवा नदी पर ये बांध है। ठीक, तो इसमें जो है इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, तो गलत जोड़ा बताएं। तो गलत जोड़ा इसमें कौन सा है, तो बताएंगे कि इसमें कौन सा जो है उद्गम स्थलों से अलग जोड़ा है, तो जल्दी से बताएंगे। तो इसमें देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलती है, और यमुना यमुनोत्री से, और घाघरा मापचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत से, लेकिन ये शारदा जो है ये कौड़ियाल से नहीं निकलती है। ठीक, ये शारदा हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो गंगा नदी से देखिए बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, तो इससे इसीलिए ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे योजनाएं भी चलाई गई हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गंगा की सफाई के लिए। तो इस दृष्टि से जो है ये नदी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसकी सहायक नदी और ये जहां से निकलती है और इसके किनारे बसे नगर शहर जो भी है, सारे चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो ये जो है साथियों, ये अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों आती हैं इधर से ऐसे जुड़ के, यहाँ जो है गंगा में परिवर्तित, गंगा बनाती है, यहां से गंगा का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम, तो प्रमुख नदियों का घटता क्रम जो है जल्दी से बताएंगे कौन सा है। तो घटता क्रम ये जो है, ये घटता का मतलब सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा लंबाई में सबसे बड़ी, उसके बाद सबसे जो है कम वाली। तो गंगा यमुना चंबल और राप्ती, तो ये सी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? ये देखिए, गंगा ट्रिब्यूटरी से जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आपके साथ ये डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे जरूर, नहीं तो फिर गलती करेंगे, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो गंगा कार्य योजना केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित की गई थी? तो ये साल 1885 में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? ये 1885 में, अरे ये 1985 है, लिखा तो 1985 है, ठीक, 18 से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो बीहड़ों का निर्माण कौन, सबसे ज्यादा अपने देश में कौन सी जानी जाती है? तो ये चंबल जानी जाती है, लेकिन जो है अपने उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण कौन करती है? तो ये करती है आपकी यमुना नदी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये परीक्षा बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध जो है ये है बेतवा नदी पर। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है परीक्षा बांध। तो बेतवा नदी पर कई बांध है, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीक्षा बांध, तो ये सभी बांध महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवाड़ ब्यासी परियोजना से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है? तो ये परियोजना कौन सी है? लखवाड़ ब्यासी परियोजना। तो इससे कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है? तो इससे जो है साथियों, ये रामपुर जिला नहीं लाभान्वित होता है। कौन सा जिला? रामपुर जिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऊंचा बांध पूछा जा रहा है, सबसे ऊंचा बांध। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है साथियों ये माता टीला बांध। कौन सा है? माता टीला बांध है। ये कहां पर है? तो ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर ये माता टीला बांध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो इससे तो कई बार प्रश्न बने हैं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो ये है साथियों शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। और नहरों से एक प्रश्न और बनता है आपकी परीक्षा में, क्या बनता है कि किस जिले में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये जिला है रायबरेली। कौन सा जिला है? रायबरेली। नहरों का सर्वाधिक विस्तार है इस जिले में, कहां पर? रायबरेली में। और अभी रायबरेली में हाल ही में एक हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है, हॉकी स्टेडियम, और एक हॉकी खिलाड़ी हैं उन्हीं के नाम पर यह बनाया जाएगा। हॉकी खिलाड़ी, उनका नाम क्या है? रानी रामपाल। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में, रायबरेली जिले में एक हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो यह है साथियों 20.5%। आंकड़ा है ये, डाटा है, इस डाटे को याद रखेंगे। 20.5% किसके द्वारा? ये नहरों द्वारा सिंचित है अपने उत्तर प्रदेश में। और ऊपर तो नहरे वाला बताया ही गया है कि सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। और सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है नहरों का? तो नहरों का सर्वाधिक विस्तार रायबरेली जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? तो किस प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई अधिक की जाती है? तो यह अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश है। यहां पर सर्वाधिक जो है सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। तो उत्तर प्रदेश जो है, ये उत्तर प्रदेश कब बना? तो ये 24 जनवरी और साल था 1950। तो याद रखेंगे इस 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है, यूपी दिवस यानी कि यूपी की स्थापना दिवस। तो कई बार प्रश्न बना है कि यूपी स्थापना दिवस या यूपी दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं, खास बात है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये है इटावा। कौन सा जिला है? इटावा सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है। तो अब इस अवनलिका के आगे भी थोड़ा सा बढ़ के प्रश्न क्या पूछता है कि अवनलिका से आप क्या समझते हैं कि ये किस किसके द्वारा इस प्रभावित जिला है? अवनलिका तो एक अवनलिका रटंत विद्या हो गया कि अवनलिका प्रभावित जिला है, लेकिन ये अवनलिका किसे कहा जा रहा है, यानी कि ये जल द्वारा प्रभावित है, जल से मिट्टी का कटान होता है, इसलिए जो है अवनलिका प्रभावित जिला है। तो इसे थोड़ा सा याद करेंगे, ये नलिका से नाली याद रखिएगा, नाली को पकड़िएगा, लिंक करिएगा, नाली यानी कि पानी प्रभावित होता है नाली से, तो इससे याद रखेंगे कि ये जल द्वारा प्रभावित है, ठीक। और जो है यहीं पर एक लायन सफारी भी है, कहां पर? इटावा में ही लायन सफारी। तो इसका नाम क्या है? बब्बर शेर सफारी, बब्बर शेर सफारी। और ऐसी ही एक नाइट सफारी बनाई जा रही है, नाइट सफारी बनाई जा रही है अपने यूपी में, कहां पर? तो ये राजधानी लखनऊ में बनाई जा रही है एक नाइट सफारी, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है क्या? ये नगर है और ये नदी के तट पर जो स्थित हैं। तो बिठूर कहां पर है? तो ये कानपुर में है। बिठूर कानपुर है, कहां है? कानपुर में है, तो ये गंगा के किनारे। और गोरखपुर राप्ती किनारे, बिल्कुल सही है। लेकिन जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे है, कहां पर है? गोमती नदी के किनारे। और कौसाम्बी गंगा, तो इसमें क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, तो ये सी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। गोमती नदी सही नहीं, ये जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे सही नहीं, ठीक। सही नदी के किनारे शायद प्रतापगढ़ जिला है, प्रताप में, तो
सबली पोटा। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। ये शायद सई नदी के किनारे पर है जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, कई बार आया गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी में कहां से कहां तक? तो ये इलाहाबाद से और हल्दिया तक। हल्दिया कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है ये हल्दिया। तो इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल कोलकाता हल्दिया तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, लाल परवा मार राकर तथा भोंटा कहां की मृदाएं हैं? तो ये लाल परवा भोंटा ये कहां की मृदाएं हैं साथियों? तो ये है बुंदेलखंड की मृदाएं। कहां की? बुंदेलखंड की मृदाएं हैं। इसके इतने नाम ये लाल परवा मार राकर तथा भोंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजा भाई क्यों इतने बड़े बड़े दिख रहे हो? हाँ और बस ठीक। तो ये है 89 क्वेश्चन, क्या है? निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो आपको क्या बताना है, परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। दूसरा कथन क्या है, इस मृदा में ज्वार खरीफ, ज्वार यानी कि खरीफ की फसल है, और चना, चना किसकी है? रबी की। देखिए ये फसलें कौन सी किस मौसम के किस मौसम में बोई जाती हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, रबी खरीफ जायद, तो ये ऐसी होती हैं, तो ये फसलें पूछी जाती हैं। तो ज्वार खरीफ और चना रबी की फसल उगाई जाती है, किसकी बात चल रही है? ये परवा मृदा यानी और पड़वा या परुआ। तो ये जो है पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों बातें सही हैं, ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाद का जल नहीं पहुंच पाता, वहां की मृदा को कहा जाता है। तो इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं कि गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाद का जल नहीं पहुंच पाता है, बाद का ही बाढ़ का होना चाहिए, नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को कहा जाता है। तो जहां पर नदियों का बाढ़ की नहीं पहुंच पाती है, तो ये साथियों कौन सी मृदा है? ये है आपकी भूड़ मृदा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 30 क्वेश्चन आज भी समाप्त हो गए, और आज ये था तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट। तो ये आपकी वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चुने हुए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो ये आज का जो है तीसरा इसका प्रैक्टिस सेट था। तो अगर आज आप पहली बार देख रहे हो तो दोनों जरूर जाके देखिए, और ये वीडियो में ही नहीं यूपी के किसी भी परीक्षा में आ सकता है। तो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यूपी की ये क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, सेशन तो समाप्त हो गया, अब आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ढेर सारा। तो मिलते हैं कल के सेशन में साथियों, तब तक के लिए साथ बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।